एक चूहा था। चूहे का नाम था चिंचू। क्या नाम था? चिंचू। जोर से बोलो, चिंचू। सुनाई दिया। तो चिंचू बड़ा ही चंचल था, इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहता था। करेक्ट। कैसे भागता था बताओ मुझे? इधर से उधर, इधर से उधर, आगे पीछे दाएं बाएं भागता रहता था। करेक्ट। आप लोग मेरे साथ करोगे? इधर से उधर, इधर से उधर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। गॉट इट? फिर से करोगे? दाएं बाएं, इधर से, सॉरी, इधर से उधर, इधर से उधर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। चिंचू इधर उधर भागता रहा और एक दिन उसे दिखा एक बड़ा दरवाजा। क्या दिखा? दरवाजा। उस दरवाजे के नीचे से एक कोने में थोड़ी जगह थी, तो वहां से अंदर घुस गया एक कमरे में। और कमरे में उसने क्या देखा? भोलेनाथ काका अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर। आप लोग पढ़ते हो ना न्यूज़पेपर? राइट। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भोलेनाथ काका, मुझे दिखाओ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, ऐसे करके बराबर हम ऐसे खोलते हैं न्यूज़पेपर को, और मुझे दिखाओ कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ऐसे करो सब कोई। वेरी गुड। न्यूज़पेपर में लिखा था हमारे गांव में एक नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो भोलेनाथ ने कहा, काका ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि सुविधा होगी लोगों की यहाँ से बड़े शहर तक पहुंचने की, बराबर है ना? फिर वो आगे पढ़ने लगे। उतने में ही उनके पैर के नीचे एक उन्हें कुछ महसूस हुआ, कुछ। तो भोलेनाथ काका डर गए, ये कौन है, मुझे काट रहा है कोई। इसीलिए उन्होंने नीचे झांक कर देखा। कैसे झांका दिखाओ मुझे? नीचे झांक कर देखा, कोई था वहां पर? कोई नहीं था। इसीलिए उन्होंने फिर से नीचे झांका, इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा, आगे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई था वहां पर? नहीं। ऐसे करो, नहीं था। फिर भोलेनाथ काका फिर से अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। दिखाओ मुझे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। वेरी गुड। लिखा था अगर बाहर जाना है तो सख्त मनाई है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन जो फैल चुका है, बराबर, हमारे यहाँ बाहर जाना सख्त मनाही है। ये भी लिखा था कि मास्क पहनो और हाथ धो, बराबर। दिखाओ कैसे? मास्क पहनो और हाथ धो। वेरी गुड। इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। उतने में ही उन्हें महसूस हुआ भोलेनाथ काका को, यहाँ पर उन्हें कोई काट रहा है, कुचुक। उन्होंने, बाबा कौन है यह, मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने झांक कर देखा, झांक कर देखो अपनी बाएं तरफ, झांक कर देखा, इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई मिला वहां पर? नहीं। फिर से भोलेनाथ काका अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। पढ़ने लग जाओ न्यूज़पेपर। लिखा था कि सरकारी अस्पताल नया बनने वाला है और वहाँ गरीब लोगों के लिए मुफ्त उपचार होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। उतने में ही भोलेनाथ काका को यहाँ पर किसी ने काटा। कैसे काटा? कुछ ऐसे काटता है, कुछ। जोर से बोलो, कुछ। भोलेनाथ काका डर गया। कैसे डरता है भोलेनाथ काका, दिखाओ मुझे। ऐसे डरते हो? ओ, ऐसे करो, डर जाओ। तो भोलेनाथ काका डर गया और उसने कहा, अरे मुझे जरूर कोई काट रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है। तो भोलेनाथ ने काका ने कहां देखा? इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। वेरी गुड। भोलेनाथ काका को दिखा चिंचू। चिंचू कहां दिखा? वहीं पे बैठ के उन्हें काट रहा था। तो भोलेनाथ काका ने अपना वर्तमान पत्र
फोल्ड किया बराबर और बोलते रुक मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ, तू मुझे काट रहा है। उसके पीछे पीछे दौड़े और भोलेनाथ काका ने सोचा चिंचू को लग गया, लेकिन चिंचू चंचल था, चिंचू भाग गया और कहाँ पर गया, रसोई घर में बराबर। तो रसोई घर में घुसते ही उसने देखा एक बड़े से थाली पे रखा था पनीर। तो भोलेनाथ काका थक चुके थे, वो तो फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और अंदर जाते ही जब उसे पनीर दिखा तो उसने क्या सोचा, खाऊंगा मैं बराबर। तो उसने पनीर खाने लग गया। कैसे खाया पनीर, ऐसे खाया, गॉप दिखाओ मुझे, दिखाओ, अच्छा लगा, और एक बार हाथ डालो पनीर में और अब तो उतने में आई काकी, रसोई घर में काकी आई और उसने देखा मेरा पनीर खा रहा है चिंचू नालायक कहीं का, रुक मैं उसकी खबर लेती हूँ। तो चाची चिंचू के पीछे दौड़ने लगी, चिंचू आगे काकी पीछे, चिंचू आगे काकी पीछे, अभी चिंचू को काकी मारेगी बराबर। अरे लेकिन बोलो तो सही, चिंचू आगे काकी पीछे, चिंचू आगे काकी पीछे, और लेकिन चिंचू खिड़की के पास एक छोटा सा होल था या खुला खुली जगह थी, वहां से वो सीधा बाहर भाग गया। और बाहर भाग गया तो उसे दिखा एक पेड़, पेड़ के नीचे उसने कहा अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ बराबर। तो इसीलिए चिंचू पेड़ के नीचे दिखाओ कैसे सो रहा था भाई, जोर से खर्राटे मारो, वेरी गुड। उतने में आई वहां से एक बिल्ली और बिल्ली ने सोचा मैं इसे खाऊंगी। तो धीरे 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 बिल्ली जब चिंचू के पास गई तो चिंचू अचानक उठ गया और उसने कहा अरे बाप रे ये तो मुझे खा जाएगी, मुझे भागना चाहिए। चिंचू भागने लग गया, चिंचू आगे बिल्ली पीछे, जोर से बोलो चिंचू आगे बिल्ली पीछे, चिंचू आगे बिल्ली पीछे, और चिंचू एक छोटे से बिल में घुस गया और वही बैठा रहा और बिल्ली बाहर से चिंचू को ढूंढते रह गई। चिंचू क्या बाहर आया, नहीं, पक्का अंदर ही बैठा था ना। तो बच्चों ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, चिंचू अच्छा लगा कि बिल्ली कि भोलेनाथ काका या काकी। थैंक यू।